नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रघुनंदन नुगजा। हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, जिसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मनी मार्केट का है उसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो इसके पहले लेक्चर्स में हमने पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके एक थोड़े से 3 पॉइंट्स उसमें देखने वाले। पहला अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोस्तों एलिमेंट है या तो फिर इंस्टीट्यूशन है, वो है इंडिजिनियस बैंकर्स। अब सबसे पहले हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर लेते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते हैं, उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं लगता है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने ही सोशल लिमिट्स में क्या करते हैं, लेंडिंग बोरोइंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब उनका कुछ एक ऑफिस है या तो फिर उधर बैठे हैं वो लोग, किसी एक्ट के तरीके वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहला है दोस्तों इसमें इंडिजीनियस बैंकर। अब इंडिजीनियस का मीनिंग होता है दोस्तों कि जो एक लोकल एरिया में कन्फाइंड है, मतलब जिसका ऑपरेशन सिर्फ एक छोटे से लिमिट तक, मतलब जो इंडिजीनियस मतलब ही होता है लोकल लिमिट्स तक जिसका ऑपरेशन कन्फाइंड है, उसे बोलते हैं हम लोग इंडिजीनियस बैंकर। अब बैंकर बोलने के पीछे इसका रीजन क्या है दोस्तों, कि ये लोग क्या करते हैं, लेंडिंग देते हैं। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास देखते हैं कि कोई 2% से 3% क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। अब ये लोन्स क्या होते हैं दोस्तों, ये कुछ ऑफिशियल लोन्स नहीं होते, मतलब वो कुछ ऑफिशियल बैंकर्स नहीं होते, या तो फिर उनके पास ये सब करने का लाइसेंस भी नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सिंपली उनके पास जो सरप्लस मनी आता है या तो फिर वो जो बिजनेस करते हैं उससे जो मनी आता है वो क्या करते हैं, लेंड करते जाते हैं। किसको लेंड करते हैं, हमारी जो सोशल स्ट्रेटा में जो उनके ये होता है कि या तो फिर स्मॉल ट्रेडर हो गया, कोई कोई ट्रेडर को चाहिए, किसी को एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को और किसी रीजन के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं। इनके ऑपरेशन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं सोशल स्ट्रेटा में लिमिटेड होते हैं। अब सोशल स्ट्रेटा मतलब क्या, स्ट्रेटा मतलब ग्रुप, सोशल स्ट्रेटा मतलब मेरे रिलेटिव्स का, मेरे फ्रेंड्स का, जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं उतने ही ग्रुप में वो लोग क्या करते हैं, लेंडिंग बोरोइंग करते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इंडिजीनियस बैंकर्स इनका है कि वो लोग सोशल स्ट्रेटा में लेंडिंग बोरोइंग करते हैं। फिर उसके बाद इंडिजीनियस बैंकर शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, जैसे मैं आपको बोला एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए हो गया, किसी ट्रेडर को चाहिए तो उसके लिए देते हैं। तो लोन टू एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, इन सब के लिए क्या करते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स लोन देते हैं। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर पर्सन क्या कर रहा है, उसके पास सरप्लस मनी है, वो कुछ मतलब जिस जो कोई बैंकिंग एक्ट में रजिस्टर नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो दूसरे को लोन दे रहा है, तो वो हो गया इंडिजीनियस बैंकर। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर्स का हम लोग अगर हिंदी में बोले मनी लेंडर्स को, तो मनी लेंडर्स को बोलेंगे साहूकार। अभी साहूकार क्या होते हैं, साहूकार पद्धति जो होती है वो हमारे विलेजेस में बहुत देखने को मिलती है। एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर जिस विलेज का मेन ऑक्यूपेशन है दोस्तों, विलेजेस में क्या होता है कि एक साहूकार होता है जो क्या करता है, फार्मर्स को लोन देता है, और उसके बाद उनकी जब फसल उगती है तब वो क्या करते हैं, फार्मर्स उसको पे बैक कर देते हैं। अब ये साहूकार जो है दोस्तों वो बरसों से क्या करते आ रहे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते आ रहे, मतलब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। हम लोगों ने फिल्म्स वगैरह में देखा होगा कि ये क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फार्मर उनका इंटरेस्ट तक के पे नहीं कर पाता है, और उसके ऊपर फार्मर क्या करता है, अपनी जमीन उसको दे देता है कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब सिक्योरिटी बोल के अपनी जमीन दे देता है। अब जब ये पेमेंट नहीं करता है फार्मर, जब ये पेमेंट नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंडिया में बहुत सारा एग्रीकल्चर नेचर पे डिपेंड है। अब अगर नेचर अच्छा नहीं रहा तो एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, वो एग्रीकल्चर आगे बिकेगा नहीं वो प्रोडक्शन। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, ये जो मनी लेंडर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, मतलब उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते हैं अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो। फिर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है रूरल लाइफ में, जैसे कि सुसाइड्स एक्सेट्रा फार्मर्स की। तो ये मनी लेंडर जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, मोस्टली ऑपरेट करते हैं विलेजेस में, चार्ज करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कभी सुना भी नहीं होगा, डबल ट्रिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ये क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। क्योंकि इधर क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है इन्हें, ये डायरेक्टली एक सोशल हमारा कॉन्टैक्ट होता है उससे वो लोग दे देते हैं। इसके लिए ये लोग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फार्मर्स, आर्टिसंस, स्मॉल ट्रेडर्स को ये लोग क्या करते हैं, लोन्स देते हैं। आर्टिसंस मतलब क्या कि कारपेंटर एक्सेट्रा वगैरह जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं विलेजेस में उनको देते हैं। और RBI हैज रेस्ट्रिक्टेड देयर एक्टिविटी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, विलेजर्स को एक्सेट्रा। हम लोगों ने मूवीज में भी बहुत बार देखा है कि ये लोग कैसे कैसे मतलब तरीके अपनाते हैं, उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके वजह से RBI ने क्या कर रखा है, इनकी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है।
अब दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा लास्ट का पॉइंट है वो है अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएटरीज। अब अनरेगुलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्ट का प्रेशर नहीं है, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल से इनके ऊपर बैठा ही नहीं है। और नॉन बैंकिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी का मतलब ये लोग किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी को लेंड भी कर सकते हैं, बट ये लोग डिमांड मतलब बैंक जैसे फंक्शन नहीं कर सकते, मतलब बैंक जैसे मनी में एक्सचेंज कर सकती है वैसे फंक्शन ये लोग नहीं कर सकते। अब पहला है दोस्तों इसमें चिट फंड्स। अब चिट फंड्स क्या होते हैं दोस्तों, तो चिट्स मतलब क्या होती है कि जो हम लोग चिट्ठियां बनाते हैं उसे बोलते हैं चिट्स। अब चिट फंड्स का कंसेप्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है कि क्या करते हैं सभी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं एक चिट फंड के, समझो एक चिट फंड में 50 मेंबर है, तो 50 मेंबर्स क्या करेंगे हर महीने कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब ये चिट फंड्स के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, कि एक प्रकार में क्या होता है कि एक टाइप में ये चिट फंड सब चिट्स हम लोग 50 लोगों की चिट्स बनाएंगे, वो एक बाउल में डालेंगे, फिर उसके बाद एक चिट निकालेंगे, जिसकी चिट निकली दोस्तों उसको जो उस महीने का पूरा कंट्रीब्यूशन है उसको दे दिया जाएगा, इसको बोलते हैं एक टाइप का चिट फंड। अभी दूसरे टाइप के चिट फंड्स में क्या होता है, ऐसे ही 50 लोगों की चिट्स बनती है, चिट्स को एक बॉक्स में डाला जाता है, बॉक्स में से एक चिट निकाली जाती है, और जिसको बॉक्स में डाला जाता है बॉक्स में से एक चिट निकाली जाती है, और उस आदमी को क्या करना पड़ता है, बेट करना पड़ता है कि अगर समझो सबका कंट्रीब्यूशन मिला के 50,000 हो गया तो उसको बेट करना पड़ता है कि मुझे 45,000 मिलेंगे, 48,000 मिलेंगे। अब जैसे कि उसकी बेट हो जाती है दोस्तों, तो बेट के तरफ से उतना अमाउंट उसको दे दिया जाता है, और जो भी बचे हुए अमाउंट है वो बाकी मेंबर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो सिर्फ चिट फंड्स आपको एक याद रखना है कि सिंपली क्या करते हैं, सबकी चिट्स डालते हैं उसमें, और जिसकी चिट निकली उसको क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं, सब लोग हर महीने क्या करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन करते हैं। समझो 50 लोग हैं तो 50 महीने तक ये चिट फंड चलेगा, और 50 महीने तक हर महीने हर लोग क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। उसके बाद आता है दोस्तों निधि कंपनी। अब निधि कंपनी क्या होता है कि सिंपली निधि कंपनी में मतलब एक ऐसी कंपनी होती है, मतलब जो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट में, ऐसी कंपनी होती है जिधर मेंबर्स के बीच में सेविंग्स और बोरोइंग्स का बोरोइंग्स चलती है, मतलब हर क्या करते हैं, हर एक मेंबर हर महीने को अपनी सेविंग क्या करता है उस निधि कंपनी में डालता है। अब निधि कंपनी क्या करती है, उसी सेविंग में से कुछ पैसा अपने मेंबर्स को ही लेंड कर देती है, मतलब वो बाहर वालों को लेंड नहीं करती है, वो सिर्फ क्या करती है उनके जितने भी मेंबर्स है उनको लेंड कर देती है। इससे क्या होता है कि उस मेंबर की नीड भी पैसे की जो होती है वो खत्म हो जाती है, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो निधि कंपनी क्या करती है आपस में बांट लेती है। ऐसी होती है दोस्तों निधि कंपनी। इसको एक सिंपली हम लोग अगर और भी नीचे के लेवल में जाए, निधि कंपनी तो रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट में, और नीचे के लेवल में जाए तो बचत गट जो होता है दोस्तों वो भी किसका प्रकार है, वो भी निधि कंपनी का ही प्रकार है। और लोन कंपनी क्या करती है, अपने मेंबर्स को या फिर दूसरों को लोन देती है जो बैंकिंग एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है बैंकिंग करने का भी। तो दोस्तों ये था हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो मनी मार्केट का हमने देख लिया। थैंक यू सो मच।